गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं यश। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, दैनिक जागरण जनसत्ता का जो राष्ट्रीय संस्करण का जो संपादकीय होता है उसके बारे में हम विचार विमर्श करते हैं और चीज़ों को बताते हैं। तो दोस्तों, कल जिस तरह से तमाम लोगों ने प्रतिक्रिया दिया था, मैं बार बार कहता हूँ कि जाकर आप लोगों को उसे पढ़ना चाहिए। जिस तरह से चाहे राजीव गिरी जी हों, चाहे रूपम कुमारी जी हों, चाहे नीतीश कुमार जी हों, चाहे नागर एकेडमी हों, इनके विचार इतने प्रभावशाली होते हैं, मानो कुछ सीखने को मिलता है इनके माध्यम से। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग इन्हें प्रोत्साहित करने के लिए, समर्थन करने के लिए, अपने शब्दों के साथ इन्हें भी शुक्रिया अदा करिए, क्योंकि ये लोग भी कुछ आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, तो तहे दिल से स्वागत है आप लोगों का। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ईश्वर करे आप अपनी ज़िंदगी में जो भी बनना चाहते हैं, जो भी आपका सपना हो, साकार हो, ईश्वर आपको गति प्रदान करें। तो दोस्तों, अब चलते हैं आगे। तो मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछा था कि अब जिस तरह से पहले एक दिक्कतें आती थी कि आप लोग कहते थे सर स्पष्ट नज़र नहीं आता है जो लाइन होता है या फिर जो शब्द होते हैं, तो बताइएगा कि अब जो है कि सारी चीज़ें क्लियर हैं कि नहीं हैं, मतलब पढ़ने योग्य हैं। तो सबसे पहले चलते हैं उन शब्दों, उन वाक्यों की तरफ जिनमें वो क्षमता और खूबत होती है। और कुछ लोगों ने कहा कि सर कई शब्दों के मतलब आप बता दिया करिए। ओके, मैं बता दूंगा। यहाँ देखिए लिखा, सभी चीज़ें आसान बनने से पहले मुश्किल होती हैं। तो इसके माध्यम से आप तमाम सीख ले सकते हैं। जैसे सोचिए, जब पूरी दुनिया में बल्ब का आविष्कार नहीं रहा होगा तो लोग किस चीज़ पर ज़्यादा निर्भर रहे होंगे और कितनी मुश्किलें रही होंगी। जब भाप इंजन नहीं बना था तब कैसे गाड़ियाँ चलती थी, जैसे बैलगाड़ी चलती थी। ठीक है, मोटर गाड़ी तो था नहीं। तो ऐसी तमाम तरह की चीज़ें हैं जो अब हैं, पहले नहीं थी। तो सोचिए कितनी समस्याएं होती रहती थी पहले। आज आपके पास मोबाइल है, किसी को आपने याद किया, उसका नंबर डाल किया, फ़ोन लगा दिया और आपसे बात हो गई, वीडियो कॉलिंग, ऑडियो कॉलिंग, जो भी आप करना चाहते हैं। तो ये जो दूरियां, कुछ लोग कहते हैं कि सेलफोन की वजह से दूरियां बढ़ी हैं, इमोशनली जो लगाव कम हुआ है, जो भी बातें हों, पर दोस्तों हुआ है ना, पहले जो समस्याएं थी, मतलब एक इंसान से बात करना होता तो तार दिया जाता था, मतलब लेटर लिखिए, जाइए, पोस्ट करिए। आज सोचिए 2 सेकंड नहीं लगता कॉल की, आपने वीडियो बात कर लिया। तो सारी चीज़ें देखिए, किसी को समझाने के लिए आप तमाम तरह की उन चीज़ों को रख सकते हैं जो पहले नहीं थी अब हैं। तो उसके माध्यम से बता सकते हैं कि पहले कौन कौन सी समस्याएं होती थी, अब नहीं होती थी। पहले लोग पानी पीने के लिए कुओं को खोदते थे, गांव में पोखरा खोदते थे, फिर उसके माध्यम से लोग जाकर 500 मीटर 1 किलोमीटर की दूरी से जाकर लोग पानी लेकर आते थे। पर आज देखिए सबके घर में हैंडपम्प है, ठीक है, टंकी है, वहाँ के माध्यम से पानी ले लेते हैं। अब चलते हैं आगे। देखिए यहाँ पे लिखा है, झूठ फरीब का पर्दाफाश करता सत्य। ठीक है, तो आप जब इस एडिटोरियल को पढ़िएगा, जब इस पर विचार मंथन करिएगा, तो सबसे पहले आपके दिमाग में चीज़ होना चाहिए कि किसकी तरफ इशारा कर रहा है, विषय क्या है, कंटेंट क्या है। झूठ फरीब का पर्दाफाश करता सत्य, इसे लिखा है दोस्तों हृदय नारायण दीक्षित जी ने। ठीक है, तो ज़्यादातर चीज़ें जो है कि अयोध्या मंदिर से होनी है। तो कभी कभार क्या होता है कि डिबेट में इन सारे मुद्दों को भी लोग प्राथमिकता देते हैं, और होना भी चाहिए। जिस तरह से दशकों तक इस पर कार्रवाई चली, कई घटना इस पर घटी हुई है, तो इसलिए दोस्तों आज चलते हैं इसके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जैसा कि लिखा है कि सत्य सर्वकालिक सार्वभौम सत्य है, मतलब जो सत्य है दोस्तों हर जगह हर समय वो सत्य ही रहेगा। ठीक है, इस पर काल गति का प्रभाव नहीं पड़ता, इस पर किसी प्रकार का जो प्रभाव है वो नहीं पड़ता। घटनाएं घटकर भूतकाल में समाती रहती हैं, घटनाओं का यथा तथ्य विवरण इतिहास कहा जाता है। तो इसमें लिखा गया कि इतिहास एक्चुअल में कहते हैं किसे हैं, तो दोस्तों जो घटनाओं का एक सार होता है, जो पुस्तक होता है, वही इतिहास कहलाता है, जो चीज़ें बीत चुकी हैं। इतिहास का अर्थ ऐसा हुआ था, जो हो चुका है हम उसे नहीं बदल सकते। ठीक, इतिहास हम कहते किसे हैं, यदि आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री,
तो आपको कहना क्या है कि जो चीज़ें अतीत में घटित हो गई हैं, ठीक है, और जिनका जो एविडेंस है, जो हम उनको जानने की जो सच्चाई है कि ऐसा हुआ है कि नहीं, जो हम जिन साक्षों का मतलब योगदान होता है, जब उसके माध्यम से हम उन घटनाओं को पढ़ते हैं तो उसे इतिहास कहते हैं। जैसे अगर भारतीय इतिहास को आपको जानना है तो तमाम तरह के स्रोत हैं, चाहे धार्मिक स्रोत हों, चाहे ऐतिहासिक स्रोत हों, चाहे विदेशी यात्रियों के द्वारा जो यहाँ पर आए, उसके बाद जो पुस्तकें लिखी हैं, उसके बाद आप पुरातात्विक खनन के बाद जो अवशेष मिले हैं उनके माध्यम से आप कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे कुछ इस तरह के सिविलाइजेशन सभ्यताएँ जन्मी थीं, कुछ इस तरह का यहाँ का इतिहास था, उसी के माध्यम से किया जाता है। और ये तो था बहुत ही पुराना इतिहास जिसकी जानकारी इन तमाम चीज़ों के माध्यम से मिलती है। एक इतिहास वो भी है जो कुछ साल पहले घटित हो गई है, ठीक है, उसमें आप ले सकते हैं कुछ दशक पहले जो अयोध्या को लेकर जिस तरह से किया गया था इतिहास में। इतिहास वस्तुतः हम भूत सत्य है, देखिए इतिहास वस्तुतः भूत सत्य है, इसमें लिखा है जो इतिहास से जो रिलेटेड है, जो भूत है वो सत्य है, जो बीत चुका है मतलब जो पास्ट है वो बीत चुका है, वो ही सत्य है। अपने स्वार्थ में इतिहास बदलने की कोशिश झूठ का पुलिंदा बनाती है। यदि आप स्वार्थी हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, झूठा इतिहास बनाने की कोशिश करेंगे, तब सत्य बारंबार प्रकट होकर झूठ का पर्दाफाश करता है, ठीक है। अब जानते हैं, अब आपको एक चीज़ मैं बता दूं सबसे पहले कि जो तमाम तरह की चीज़ें बता रही हैं कि इतिहास को किस तौर पे क्या किया जा रहा है और झूठा इतिहास क्यों लोगों के द्वारा प्रचार प्रसार किया जा रहा है, तो इसमें वास्तविकता ये है इसकी कि जिस प्रकार से अयोध्या राम जन्मभूमि, जिसे राम जी का जन्म स्थान माना जाता है और हिंदुओं का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है, उसी तरह जिस तरह से मुसलमानों के लिए मक्का मदीना, उसी लिए हिंदुओं के लिए अयोध्या है। जो लोग भी राम का सम्मान करते हैं, उनका पूजा करते हैं, जो लोग हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे में दोस्तों जिस तरह से कुछ कह सकते हैं ऑर्थोडॉक्स टाइप के थे, या कुछ ऐसे लोग थे हमारे देश के ही जिन लोगों ने हमें गलत दिशा में भ्रमित करके लेके चले गए और जो हमारा इतिहास था उसको तोड़े, उसका खंडन किए, उनका विनाश किए, उसके बाद गलत इतिहास के माध्यम से एक झूठा प्रचारित प्रसार करके एक दूसरा कह सकते हैं हमें इतिहास सौंप दिए। तो ये उसी के बारे में बात चल रही है। श्री राम प्राचीन इतिहास के महानायक हैं, अयोध्या उत्तर वैदिक काल के साहित्य में भी है। देखिए, अब उत्तर वैदिक काल पहले आपको बता दें, जब ऋग वैदिक स्टार्ट होता है ना, ठीक है, तो ऋग वैदिक काल जब स्टार्ट होगा तो उसमें दो चीज, ठीक है, ऋग वैदिक काल में एक वैदिक काल होता है, एक उत्तर वैदिक काल होता है। तो पहला आएगा आपका वैदिक काल, उसके बाद उत्तर वैदिक काल, कि साहित्य में भी है, अथर्ववेद, ठीक है, 10:2:31, ये जो अंडरलाइन है इसको आप समझिएगा, जो पुस्तकें हैं, जो आयत उसकी होती हैं, वो सारी चीज़ें हैं ये, में 8 चक्र 9 द्वारों वाली देवपुरी अयोध्या है। यहाँ दशरथ नंदन श्री राम का जन्म हुआ था। इसी स्थल पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर था। 1528 में विदेशी हमलावर बाबर के सिपह सालार मीर बाकी ने मंदिर गिराकर बाबरी मस्जिद बनाई। सोचिए, जो अरब के कह सकते हैं लड़ाकू थे, इस्लामिक लुटेरे थे, उनका एक ही उद्देश्य था दोस्तों कि भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति का विनाश करना, उसके बाद अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना। उनकी जो मानसिकता थी पूरी तरह से दोस्तों थोपी वाली राजनीति थी, मानसिकता थी, और जो लोग उस बात को नहीं मानते थे उनका वो नरसंहार करते थे। आप देखे होंगे जब इतिहास पढ़ते होंगे तो किस प्रकार, किस बर्बरता और दमनकारी नीतियों से हमारे भारतीय राजाओं, भारतीय संस्कृतियों का उन्होंने उपहास किया, उल्लंघन किया, बर्बरता पूर्वक उनको काटा, चीरा, फाड़ा, इस तरह की चीज़ें आप देख सकते हैं। तमाम विवाद हुए, मुकदमे चले, सर्वोच्च न्यायपीठ ने बीते वर्ष यहाँ श्री राम मंदिर निर्माण के आदेश दिए, यहाँ समतलीकरण का काम जारी है, यहाँ फिर से तमाम देव मूर्तियों और प्राचीन मंदिरों का अवशेष मिले हैं। इलाहाबाद, जिसे आप प्रयागराज भी कहते हैं,
इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेशानुसार खुदाई करने वाले भारतीय पुरातत्व संरक्षण के पूर्व अतिरिक्त महानिदेशक बी आर मणि ने कहा है कि ये मूर्तियां पुरातात्विक साक्ष्य हैं। इनसे उनकी रिपोर्ट को बल मिला। अदालती आदेश की फिर से पुष्टि हुई पर ताज़ा सामग्री से पुरानी बहस नए रूप में चल निकली। वामपंथी इतिहासकार के लिए अशुभ घड़ी है। रोमिला थापर, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रो इरफान हबीब, डीएन झा आदि की मान्यताएं लगातार खारिज हो रही हैं। रोमिला का मत था कि अयोध्या में श्री राम जन्म भूमि सिद्ध किया जाना असंभव है। सोचिए, हमारे ही देश के कुछ ऐसे ठीक है लोग हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, जो एज अ प्रोफेसर हैं बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में, पर उनका जो मत था बिल्कुल विरोधाभासी था, कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट करता है हमारे ही देश कुछ लोगों के बीच में। उन्होंने किस मतलब उनके पास आखिर क्या ऐसा एविडेंस था कि उन्होंने इसे मिथ्या बता दिया, ठीक है, इसे कल्पना बता दिया। झा के अनुसार इतिहास को आस्था के अनुसार नहीं लिखा जा सकता। हबीब ने अन्य ऐसी बातों के साथ AASI की रिपोर्ट को भी एक तरफा बताया था। इस रिपोर्ट में लगभग 3000 वर्ष पूर्व के तथ्य थे। रिपोर्ट के अनुसार एक गोलाकार मंदिर 10वीं सदी का था। सोचिए, इस तरह की चीज़ें मिली हैं उस उत्खनन में। जब अयोध्या में तमाम जगहों पर खुदाई हुई तो तमाम ऐसी चीज़ें मिली दोस्तों, जो जिन चीज़ों का उल्लेख आपके वेदों में था, पुस्तकों में था, ठीक है, जिस तरह से जिन साक्ष्यों के अभाव और कुछ लोग बता रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये कल्पना है, वो पूरी तरह से निराधार साबित हुई। तो आप ये ज़रूर बताइएगा कि दोस्तों, यदि अयोध्या में एक भव्य मूर्ति बनती है राम जी की, तो आप लोग उनके प्रति क्या आस्था रखेंगे, क्या सोचेंगे, क्या आप लोग भी जाएंगे उन्हें देखने, उनकी मूर्ति को? और इसमें देखिए कई कारण हैं। यदि आप देश के आर्थिक विकास के बारे में सोचते हैं तो ये ऐसे भी देख सकते हैं कि तमाम जगहों पे अन्य देशों में, अन्य राज्यों में जिस तरह से हिंदू से रिलेटेड धर्म के लोग हैं और जिस प्रकार से राम जी के लिए इतने आस्थावान हैं, उनको देखने के लिए जिस तरह से वो अयोध्या में आएंगे तो वहाँ का रेवेन्यू बढ़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आप उसमें मेंशन करिएगा यदि आप कभी किसी को समझाएं। एक अन्य मंदिर और खंभों के अवशेष का भी उल्लेख था। मंदिर 1500 ईस्वी तक था। आगे 1528 में बाबरी मस्जिद का इतिहास है। फैजाबाद सेटलमेंट रिपोर्ट भी मंदिर की जगह मस्जिद निर्माण के तथ्य बताती है। सोचिए, ये सारी जो रिपोर्ट्स हैं ये दोस्तों भारत सरकार के द्वारा बताई जा चुकी हैं, उनकी वेबसाइट पे भी है। बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट गजेटियर 1902 में जन्मस्थान मंदिर को गिराकर मस्जिद बनाने का वर्णन है। यही बात फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट गजेटियर 1905 में भी कही गई है। लेकिन भारत के वास्तविक इतिहास बोध के विरोधी वामपंथी इतिहासकार के लिए AASI के निष्कर्ष एक तरफा रहे हैं। उनके तर्क व्यर्थ हो चुके हैं, उनसे माफ़ी मांगने की अपीलें हो रही हैं। कायदे से उन्हें सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद ही अपनी राय बदल लेनी चाहिए था। मुकदमे की सुनवाई में AASI की रिपोर्ट में भी अहम साक्ष्य थी, लेकिन उनका मत था जस का तस। हाल ही में मिली सामग्री को भी नक्सलपंथ हमदर्द नंदिनी सुंदर ने महत्वहीन बताते हुए कहा कि यह सामग्री समुचित तथ्य नहीं है। इस दुष्प्रचार में उनके साथ अन्य स्वयंभू विशेषज्ञ भी कूद पड़े। वामपंथी विचार भारत आगमन के समय से प्राचीन इतिहास को आत्महीन बताने का अभियुक्त है। ये देखिए, एक चीज़ आपको बता दें, आप राम को माने या अयोध्या को माने या न माने, ये आपका विषय है, ये आपकी विचारधारा है, आपकी सोच है। पर याद रखिएगा, जो लोग जुड़े हुए हैं, जैसे क्या है कि अगर मुसलमान मक्का मदीना जाता तो हम उसका उपहास नहीं कर सकते, हमें भी सम्मान करना पड़ेगा कि वो धार्मिक हैं, ठीक है, वो पूजा पाठ के लिए वो मक्का जाएं या मदीना जाएं, पर उन जो उनका लगाव अपने धर्मों के साथ, उसका हमें सम्मान करना चाहिए। ठीक उसी तरह दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दिन रात राम जी की पूजा करते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। इसीलिए जो महात्मा गांधी जी थे, वो बार बार राम राज्य की कल्पना करते थे, ठीक है, उसको मत देखिए। चलिए, अगर आप मिथ्य भी मानते हैं, कल्पना भी करते हैं, मान लीजिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं, क्या क्या बताया जाए, पर राम जी के द्वारा जो किया गया था, यदि उस तरह का कोई पुरुष हो तो उसे दोस्तों महापुरुष आप कह सकते हैं, उसे उत्तम पुरुष आप कह सकते हैं।
क्योंकि हर एक स्त्री यही सोचती है, चाहती है, और एक पिता सोचता कि मेरा जो पुत्र हो राम की तरह हो, एक पत्नी चाहती है कि मेरा पति राम की तरह हो। तो कुछ तो महान चीज़ें रही होंगी, जिस तरह से उनके आदर्श थे, जिस तरह से उनकी सोच थी, वो जो भी थे, पर उनके जो नीतियाँ थीं, उनके जो विचार थे, जो संस्कार थे, उसे तो आप अपने अंदर ले सकते हैं। तो इसीलिए इतिहास पढ़ाया जाता है, चीज़ों के बारे में बताया जाता है कि जो गलत करेगा उसका परिणाम वो देखेगा, इतिहास में भी देख सकता है, और जिसने अच्छा किया है उसके बाद उसके साथ क्या हुआ उसके बारे में आप देख सकते हैं, इसीलिए बताया जाता है। ठीक है, वामपंथी भारत आगमन के समय से प्राचीन इतिहास को आत्महीन बताने का अभियुक्त है। डीएन झा प्राचीन वैदिक पूर्वजों को गोमांस भक्षी सिद्ध करते रहे हैं। रोमिला थापर पूर्वज आर्यों का असभ्य बताती रही हैं। सोचिए, रोमिला थापर हमारे पूर्वजों आर्यों को असभ्य बताती हैं, इनके झूठ की परतें लगातार उघड़ रही हैं। वामपंथी भारतीय संस्कृति नहीं मानते हैं। जो भी दोस्तों वामपंथी कम्युनिस्ट जो आइडियोलॉजी होती हैं भारतीय संस्कृति, वो नहीं मानते हैं। वे हिंदू मुस्लिम सद्भाव भी नहीं चाहते हैं। AASI के उत्तर क्षेत्रीय निदेशक रहे पद्मश्री डॉक्टर KK मोहम्मद ने अपनी आत्मकथा IN इंडियन में भी यहाँ हिंदू मंदिर का उल्लेख किया। सोचिए, वह भी 1976-77 की खुदाई के दौरान प्रो बीबी लाल की टीम के सदस्य थे। मोहम्मद के अनुसार मसला सुलझ जाता यदि वामपंथी इतिहासकार द्वारा मुस्लिम मौद्रिक की बेन वॉशिंग ना होती, मतलब जो एक होता है ना ब्रेन वॉश करना, ठीक है, वही है। उन्होंने रोमिला विपिन चंद्रा DN झा आदि का उल्लेख किया। बताया कि बाबरी एक्शन कमेटी ने हबीब के साथ कई बैठकें भी की। मोहम्मद ने समतलीकरण के दौरान मिले पुरातात्विक अवशेषों पर कहा कि यहाँ स्वर्णिम इतिहास दफन है। सोचिए, एक स्वर्णिम इतिहास दफन है, इसलिए समतलीकरण का कार्य वैज्ञानिक ढंग से होना चाहिए। बाबर विदेशी हमलावर था, मस्जिदें प्रार्थना का केंद्र होती हैं, उन्हें किसी व्यक्ति के नाम से नहीं जोड़ा जाता। आखिरकार हम भारत के लोग भारत के नाम पर कैसे, बाबर के नाम पर कैसे गर्व कर सकते हैं? आप एक बताइए, जिस शख्स ने, जिस इस्लामिक लुटेरे ने भारत की संस्कृतियों के साथ खेला, यहाँ की बच्चियों माँ के साथ दुष्कर्म किया, यहाँ की संपदा को लूटा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बाबर को महान बता देते हैं, अपने औलादों का नाम बाबर रख देते हैं, मतलब उनकी सोच और उनकी मानसिकता क्या हो सकती है, आप सोच सकते हैं। जिन लोगों ने इतना क्रूरता बरता हमारे भारतीय संस्कृति में, भारत जैसे देश में, मतलब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनको जला होता है ना, हौसला अफजाई करते हैं आज भी। सोचिए, मोहम्मद बिन कासिम गजनी गोरी और बाबर हमलवार थे। उन्होंने भारत को लूटा, रक्तपात हुआ, तब पाकिस्तान नहीं बना था। आज की पाकिस्तानी भूमि पर भी तब विदेशी हमलवारों ने रक्तपात किया। बिन कासिम ने पहले सिंध क्षेत्र पर ही धावा बोला था। सोचिए, पता नहीं कि आज ये पाकिस्तानी हुक्मरान अपनी धरती पर हमला करने वाले विदेशी आक्रांताओं का महिमांडन क्यों करते हैं। वे अपनी मिसाइल का नाम गोरी रखते हैं। सोचिए, उनकी जो सोच है, इस नाम से पता चलता है कि वो कितना तवज्जो देते हैं। भारत के भी कथित उदार और स्वयंभू इतिहासकार मंदी तोड़क औरंगजेब को महान बताते हैं, और दर्शन एवं भारतीयता से युक्त उसके भाई दारा शिको की उपेक्षा करते हैं, क्योंकि वो उदारवादी था ना दारा शिको। वे वैज्ञानिक और राष्ट्रपति रहे कलाम के व्यक्तित्व पर गर्व नहीं करते हैं। सांप्रदायिकता राजनीतिक भारतीय मुसलमानों की सोच को विभाजक बनाने की कोशिशों में लगे रहते हैं। बाबरी मस्जिद के नाम पर लंबे समय से देश विभाजक राजनीति जारी है। बाबर भारत में गर्व का विषय नहीं है, हो सकता, और न ही ऐसे विचारों से जुड़े राजनीतिक अभियान। श्री राम जन्मभूमि के पुरातात्विक साक्ष्य लगातार मिल रहे हैं, लेकिन वामपंथी लोग साक्ष्य नहीं मानते। वे पुरातात्विक साक्ष्य, सर्वोच्च न्यायालय के निष्कर्ष और भारत को प्राचीन राष्ट्र भी नहीं मानते। यही स्थिति सांप्रदायिक राजनीति की है। शुभ है कि इतिहास विरूपण की वामपंथी साजिशों के दिन जा रहे हैं। वामपंथी इतिहास का विषय हो रहा है। आने वाले समय वामपंथ नहीं होगा, इसका दुख का लोगों से वामपंथ शैली में ही पूछा जाएगा कि आप सिद्ध करो कि वामपंथ कब था। क्या वामपंथ का कोई पुरातात्विक साक्ष्य है? सत्य को बहुत
दिन तक झूठे पर्दे में नहीं रखा जा सकता, सत्य बार बार प्रकट होता है। शीर्ष अदालत के फैसले में सत्य की विजय हुई थी। श्री राम जन्मभूमि परिसर में प्राप्त मूर्तियों और अवशेष सामग्री सत्य का ही प्रत्यक्ष साक्ष्य है। पुरातात्विक सत्य है, ऐतिहासिक सत्य है, सांस्कृतिक सत्य है, गर्व करने लायक सत्य है, दुनिया के करोड़ों लोगों की आस्था को सही ठहराने वाला सत्य भी इस सत्य का स्वागत होना चाहिए। यह है जो लेखक हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष हैं। तो सबसे पहले हम बता दें, यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन हो सकता है, पर आप अपनी सोच को गलत जगह मत करिएगा, क्योंकि यहाँ देखिए बात हिंदू मुस्लिम की नहीं हो रही है, बात ऐसे लोगों की मानसिकता की हो रही है जो लोग मोहम्मद गोरी बाबर जैसे लोगों को प्रमोट करते हैं और अपने बच्चे का नाम रखते हैं। तो आप जिस देश में हैं, जो हमारे देश ने सहा है, यदि अब आप उसके हिसाब से नहीं चलेंगे, और जिन लोगों ने हमारे भारतीय लोगों का उपेक्षा किया, संस्कृतियों का उपेक्षा किया, खंडन किया, उनको आप प्रमोट करने के लिए, तवज्जो देने के लिए उनके समर्थन में उमड़ाएंगे, तो ये गलत है। तो अपने विचार आप दे सकते हैं, क्योंकि इस बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकता, क्योंकि कुछ लोगों को बुरा लग सकता है। और ऐसे जानते हैं, ऐसे विषयों पर आप दोनों तरफ से बोला करिए, ठीक है। बीच में आपको पता होगा कि करीना कपूर का लड़का था, मतलब अपने बेटे का नाम उसने वो रखा जो मुसलमान वो था, बहुत ही लुटेरा था, और जिस तरह से उसने हमारे देश की बहु बेटियों के साथ खुलेआम नरसंहार किया, उसकी मैं विवेचना नहीं कर सकता। तो ऐसी मानसिकता के लोगों से मुझे बड़ी शर्म आती है। धन्यवाद।